गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू अन अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप में आप डाउनलोड कर लीजिएगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको एक कोड की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे कोड डाल दीजिएगा विवेक लाइव 10। इस कोड को डालते ही आप सारे फ्री क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे अन अकेडमी में जो आपका लाइव चलता है। ठीक है, सारे फ्री क्लासेस को आप कवर कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप में। हेलो प्रिया, डेली 40 प्लस क्लासेस होते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप में। इतने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, या यहाँ पे आप फ्री मॉक टेस्ट भी आप कवर कर सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही डेली आपका करेंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं। इसका टेस्ट होता है मंडे टू सैटरडे आपका शाम 7 बजे, इसको कवर कर सकते हैं। इस पर फर्स्ट प्राइज अगर जीतिएगा तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन एक महीने का आपको अन अकेडमी की तरफ से करा दिया जाएगा। इसके साथ ही अमेजन का गिफ्ट कार्ड आपको 1200 रुपये का अगर आप सेकंड प्राइज़ जीतते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और थर्ड प्राइज़ अगर आप जीतेंगे तो 800 का गिफ्ट कार्ड अमेजन की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, ये फ्री क्लासेस है, डेमो क्लास है। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस आपके प्रिपेयर होते हैं, प्लस की क्लासेस आपके स्टेप बाई स्टेप सारे गाइडलाइन वहीं पर आपके दिए जाते हैं, पूरा सिलेबस वहीं पर कराया जाता है। गुड आफ्टरनून आदित्य, तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासेस होती हैं, यहाँ से पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर 3 क्लासेस के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, यहाँ पे आप डाउट क्लियरिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली क्विजेस होते हैं प्लस में, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपका हर महीने 8 से 10 बैचेस लॉन्च होते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पे ज्वाइन हो करके। तो प्लस में आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फिलहाल ये मेरा प्रोफाइल है बीपीएससी एजुकेटर में, मेरा नाम सर्च कीजिएगा विवेक कुमार, मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा। प्लस एजुकेटर बीपीएससी कैटेगरी में ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे तरफ से कवर किए जाते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, और करेंट अफेयर के डेली क्लासेस डिटेल्ड में होती है आपकी सुबह 11 बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप में। फ्री क्लासेस होती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप में। ठीक है, तो उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद ये कोड का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोड रिक्वायर होगा आपको वहाँ पे इन करने के लिए, सारे क्लासेस देखने के लिए। तो ये कोड वहाँ पे डाल दीजिएगा, सारे फ्री क्लासेस आप अनलॉक कर सकते हैं और सारी चीज़ें भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने टाइम भी आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा बीपीएससी प्लस एजुकेटर में मेरा नाम सर्च करके। क्या क्या कवर कराया जा रहा है वो मैं एक नज़र बता देता हूँ। यहाँ पे प्रीलिम्स को लेकर के 1 बजे मेरी क्लासेस होती है साइंस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉलिटी जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है, क्लास 8 का, इसको मैं कवर करा रहा हूँ। ये सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए, ये आप देख सकते हैं। ये बैचेस चल रहे हैं, इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। विजय बीपीएससी अचीवर बैचेस, उत्थान बीपीएससी बैचेस, सीडीपीओ का जो बैच चल रहा है इसको आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग बैच है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश का आंसर राइटिंग बैच है 30 मार्च से आपका स्टार्ट हुआ है। ये सारे प्लस में है। गुड आफ्टरनून रंजन, सौरभ, इन सारे बैचेस को आप कवर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं प्लस में एडमिशन लेकर के। तो प्लस में एडमिशन कैसे लेना, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद ये प्राइस लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जितने मंथ का आपको एडमिशन लेना है उतने मंथ का आपको प्राइस सेलेक्ट करना है। और सपोज कीजिए आपने 1 साल का एडमिशन लिया, तो 1 साल का जो फी है वो 8,800 है। जैसे ही आप 8,800 यहाँ आप देखेंगे, कोड आपको यहाँ पे लगाना है विवेक लाइव 10। जैसे ही इस कोड को आप लगाइएगा ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, और ये डिस्काउंट होकर के 7,920 हो जाएगा। ठीक है, कोड अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा वहाँ पे आपको कुछ क्वाइंस दिखेंगे, उस क्वाइंस के सामने रिडीम का बटन दिखेगा, उस रिडीम के बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये अमाउंट और आपका कम हो जाएगा, तो 7500-7600 के आसपास आपका अमाउंट बनेगा, फिर पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका प्लस में एडमिशन हो जाएगा, और फिर आप सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी बैचेज हो, चाहे वो एसआई का हो, बीपीएससी का हो, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, ये सारे बैचेज आप कवर कर सकते हैं अन अकेडमी में। आंसर राइटिंग के भी बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो 733 रुपये पर मंथ आपका एडमिशन फी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईएमआई पे आप उसको करवा सकते हैं। तो इस कोड को मत भूलिएगा, इस कोड को यूज़ कीजिएगा, इसी के बेसिस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का जो कोट है मोटिवेशनल कोट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो कोट है, ऐसे बेसिकली मैं मोटिवेशनल कोट करेंट अफेयर की क्लासेस में रखता हूँ,
तो आज कैलेंडर पर ये क्लास नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। इसको दूसरे वे में मत ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल की। एग्जामिनेशन हॉल में भले ही आपको आपके जर्नी तक आपको पहुँचाने वाले बहुत से लोग होंगे, आपके पेरेंट्स तो रहते ही, आपके गार्जियन रहते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे, वो सारे आपके सपोर्ट करते होंगे, टीचर्स ऑलरेडी सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन आपको बैटल खुद लड़ना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो वहाँ पे आपके साथ कोई नहीं होगा, वहाँ पे आप खुद होंगे, और आपके साथ अगर होगा भी तो आप खुद होंगे अपने साथ। तो उस समय अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, नर्वस नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको पहले से ही आपको इसको ओवरकम करते हुए चलना है। अपने आप को इस लेवल पर बना ले रहा है ताकि आप इसको ओवरकम कर सके और इसको फाइट कर सके, है ना। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर ये होगा, पेशेंस होगा और कॉन्फिडेंस होगा। ये तभी हो पाएगा जब धीरे धीरे सारे चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो कन्फ्यूज़न आपको ख़त्म करना है धैर्य से लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर के, क्योंकि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूज़ होते हैं या नर्वस होते हैं तो आपको पेशेंस ही है जो आपको सपोर्ट करेगा वहाँ पे, और कोई आपके साथ नहीं होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग खुद वहाँ पे संभालना होगा, और ताकि उस बैटल को कंप्लीट करके आपको लौटना होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ पे दूसरे रिस्पेक्ट में मत लीजिएगा, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं एग्जामिनेशन हॉल की। तो वहाँ पे आपके सिवा, आपके अलावा और वहाँ पे कोई नहीं होगा, आपको खुद लड़ना है और खुद संभलना भी है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के ऊपर है, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका लोगो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्यों ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है, कितने लोग पढ़ के आए, कोई पढ़ के आया इसके बारे में, क्रिमिनल कोर्ट क्यों आपका न्यूज़ में बना हुआ है, आईसीसी को लेकर के। आईसीसी का टॉपिक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे, बहुत न्यूज़ में ये आपका बना हुआ है। तो बात यहाँ पे करते हैं, बात यहाँ पे अमेरिका की करते हैं। अमेरिका आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है आईसीसी को लेकर के। क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, देखिए सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप में से जो लोग हैं, जो लोग पॉलिटी जीएस पेपर टू में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर टू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और जो ऑप्शनल में पॉलिटी लिए हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल में एक पेपर आता है इंटरनेशनल रिलेशन आईआर, वहाँ पे इस न्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो यहाँ पे बात कही जा रही है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय क्यों न्यूज़ में बना हुआ है, तो यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी वहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट बन करके आया है, कौन आया है, 46 प्रेसिडेंट बन करके वहाँ पे अभी जो बने हैं उनका नाम है जो बाइडेन, है ना, यही है ना, 46 नंबर पे। इसके पहले कौन प्रेसिडेंट थे, इसके पहले वहां के प्रेसिडेंट कौन थे, वहां के राष्ट्रपति कौन थे, इसके पहले जो बाइडेन के पहले, इसके पहले जो थे 45th नंबर पे जो थे वो आपके डोनाल्ड ट्रम्प थे, है ना, याद आ रहा है, जो आप लोगों ने सुना होगा, जो अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम नाम था, उसको जो नाम जो उसका उद्घाटन करने के लिए यहीं आए थे भारत में, याद होगा आपको लास्ट ईयर, है ना। तो मोटेरा स्टेडियम जो है अपना, जिसका नाम चेंज करके मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, तो इसको उद्घाटन में यहीं आए थे। तो इन्होंने जो 4 साल जो शासन किया है आपका अमेरिका में, इन्होंने बहुत सारे रायता फैलाए, उसी रायता को अभी साफ किया जा रहा है किनके द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा, है ना। तो क्या बात कही जा रही है आईसीसी को लेकर के, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए ये फ्रेंच वर्ड है, यहाँ पे आपको ऊपर जो लिखने को मिला होगा ये फ्रेंच में ही आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो जो बाइडेन है उन्होंने सैंक्शन हटा दिया है, जो कि आपका जो बाइडेन के द्वारा लगाया गया था दो लोगों पे, आईसीसी के दो लोगों पे जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया है, किसके द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा। क्या प्रतिबंध लगाया गया था, देखिए बात कही जा रही है आईसीसी के, 2001 से अफगानिस्तान में बहुत सारे यूएस ट्रूप्स हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा कुछ लोगों की वहां पे जान चली गई है, जिसको लेकर के जान चली गई थी, जिसको लेकर के क्या हुआ था कि वहां के जो आईसीसी है उन्होंने बोला था कि हम उन दो अफसरों पे क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और उन पे मुकदमा वगैरह करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली बात है दूसरे जोन में चले गए कि ऐसे कैसे कोई कर देगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, आईसीसी के दो लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया। कौन से दो लोग थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बात कही जा रही है जो प्रतिबंध लगाया गया था, जैसे हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, 11 बजे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, होमलैंड सिक्योरिटी गार्ड, याद आ रहा है कुछ, होमलैंड सिक्योरिटी गार्ड का गठन जो किया गया था 2011 से भारत में किया गया है, याद आ रहा है, जो ओबामा के नेतृत्व में, ओबामा के नेतृत्व में यह किया गया था,
जो कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे 2017 में तो उन्होंने इसको हटा दिया था। याद आ रहा है 2017 में होमलैंड सिक्योरिटी गार्ड जो था वो 2017 में इसको हटा दिया गया था, और फिर वापस से इसको 2021 में वापस से फिर इसको लाया गया है किसके द्वारा, जो बाइडन के द्वारा। ये हम लोगों ने कवर किया है, याद आ रहा है 11 बजे के करंट अफेयर में हम लोगों ने कवर किया था इसको, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर के यहाँ बात कही, तो बहुत सारे रायता फैलाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसको समेटने का काम कौन कर रहे हैं, अभी करंट के प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडन कर रहे हैं। तो जो पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 2 अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, जो बाइडन ने उनको हटा दिया गया है। क्या बात कही जा रही है कि आईसीसी अफगानिस्तान में यूएस ट्रुप्स द्वारा कथित अपराधों की जांच कर रहा था, मतलब जो यूएस के जो वहां पे सैनिक थे जिनके द्वारा वहां के लोगों की जाने गई थी, तो उस पर केस स्टडी किया जा रहा था आईसीसी के द्वारा। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वहां के 2 मेंबर को, आईसीसी के 2 मेंबर को उन्होंने सैंक्शन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। किन किन कौन कौन से 2-2 लोग हैं ये फिलहाल आईसीसी है, देख लीजिए बाहर से पिक्चर, फ्रंट व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये लोगो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जस्टिस का लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जस्टिस का लोगो है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख सकते हैं, ये जस्टिस का लोगो है, ठीक है। तो क्या सैंक्शन किया गया था, देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है, जो वार क्राइम्स हुए थे 2001 के बाद से लगातार वहां पे अफगानिस्तान में यूएस के आपके सैनिक आपको देखने को मिलेंगे, और वहां से उनको निकालने की बात कही जा रही है। तो कथित युद्ध अपराधों के लिए यूएस में जांच के साथ दबाव बनाया जा रहा था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने आईसीसी चीफ प्रोसिक्यूटर जैसे कौन थे जिन पे प्रतिबंध लगाया था, एक का नाम था फतोह बेनसोडा, क्या नाम था, बेनसोडा, फतोह बेनसोडा, जिन पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सैंक्शन लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। दूसरे कौन थे, फकीसो मोचोकोका, ये दोनों पे प्रतिबंध लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। किन किन चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था, किन किन चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था, तो इनको ट्रैवल बैन कर दिया गया था कि आप कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते, यात्रा प्रतिबंध नहीं कर सकते, उनके एसेट्स को भी फ्रीज कर दिया गया था, यहाँ पे उनके एसेट्स को भी फ्रीज कर दिया गया था। तो ये चीजें जो है, जो यूएस के सैनिकों पे जो आईसीसी के द्वारा जो आपके स्टडी की जा रही थी, एनालिस किया जा रहा था, जिसके वजह से वहां पे लोगों की जान गई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के जो 2 लोग थे जिनका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, फटो बेनसोडा और फकीसु मोचो कोका, इनको क्या किया था, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर सैंक्शन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि कहीं पे भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। और इनके साथ ही ये भी बात बोली गई थी कि इनके जितने भी एसेट्स है, जितने भी संपत्ति थी, उन सभी को फ्रीज कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है। अब ये जो रायता फैलाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसको हटाया गया है किसके द्वारा, जो बाइडन के द्वारा। इस तरह के बहुत सारे रायते फैलाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसको साफ किया जा रहा है आपका जो बाइडन के द्वारा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज आपका चर्चा में बना हुआ है आज के डेट में। यहाँ पे बात कही जा रही है, अमेरिका जो कार्रवाई की है अफगानिस्तान में, कार्रवाई के लिए जो अमेरिका के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, वो इनको पसंद नहीं आया है डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। इसराइल का जो एक्शन है पैलेस्टीनियंस पे, वो भी इनको, पैलेस्टीन के खिलाफ जो आपको देखने को मिलेगा, जो इसराइल कार्रवाई कर रहा है, वो भी इनको पसंद नहीं आ रहा। तो वही सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो इनको इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो सारे ये स्टेप लिए जा रहे थे उनके द्वारा जब वो शासन में थे, जब वो प्रेसिडेंट के पद पे थे, ठीक है। इसके अलावा क्या बात कही जा रही है, अभी फिलहाल जो न्यूज में आया है वो यूएस के सेक्रेटरी, यानी अभी फिलहाल जो जो बाइडन के सेक्रेटरी है एंटोनी ब्लिंकन, वो न्यूज में आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने अपने बताया है कि कोर्ट के द्वारा जो भी चीजें बताई गई थी, जो भी चीजें की गई थी, उसमें वो अपने असहमति दिखाई है उन्होंने, और उन्होंने सारी चीज को सॉल्यूशन देने का बहाना, मतलब सारी चीजों को सॉल्यूशन करने के बारे में उन्होंने बोला है कि हम सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे बहुत जल्दी, जो भी चीजें हैं मनमुटाव, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का चल रहा है, चाहे जितने भी देशों के साथ जो भी चीजें हो रही है, उन सभी को खत्म करने की बात कही गई है यूएस के सेक्रेटरी के द्वारा, जो एंटोनी ब्लिंकन है उनके द्वारा ये बात कॉन्फ्रेंस में कही गई है। उन्होंने ये बोला है कि हम इसको ऑपरेशनल तरीके से नहीं, फॉर्मल तरीके से नहीं, हम इसको डिप्लोमेसी तरीके से हम इसको सारी चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां सैंक्शन लगाया गया था पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा, हम सारी चीजों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा वापस से रिलेशन बन सके। देखिए दो दो आपके जो दोनों राष्ट्रपति है, दोनों में थिंकिंग क्या है,
जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उनके थ्रू ये बात कही जाती थी, मैं वाली फीलिंग थी, मैं वाली फीलिंग, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ऊपर है वो मैं हूँ, यानी अमेरिका है, ये वाली भावना उनके अंदर थी। लेकिन जो बाइडन थे वो चाहते हैं, उनके उनके जो थिंकिंग है वो सारे राष्ट्रों को एक साथ लेकर के आगे करने की बात कही जा रही है कि उन वो सारे राष्ट्रों को एक साथ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो कभी भी अपने आप को आगे नहीं समझते हैं, वो सारे राष्ट्रों को इक्वली ट्रीट करते हैं और अपने साथ साथ सारे राष्ट्रों की मदद भी करते हैं और ऊपर उठाने में मदद करते हैं जहाँ पर कोई भी इशू होता है। अभी रिसेंट में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल समिट भी पढ़ा था, जहाँ पे हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे उसमें, है ना। तो ये सारी जो भी न्यूज़ है वो सारे इसलिए किए जा रहे हैं जो बाइडेन के द्वारा, ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि अमेरिका वापस से जो पहले ओबामा के टाइम पे जो पहले अमेरिका था वापस से वैसे ही अमेरिका हो जाए, और जिन कंट्रियों के साथ जो मनमुटाव था अमेरिका का वो सारे मनमुटाव खत्म हो जाए, डिप्लोमेसी लेवल पे ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन करने की बात कही जा रही है जो बाइडेन के तरफ से, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी केसेस आपके चल रहे हैं इन सारे केसेस को सही करने की बात कही गई है एंटोनी ब्लिंकन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सैंक्शन लगाए गए हैं बेहतर तरीके से उसको संबोधित किया जाएगा और उसको सही किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये भी बात बोली है कि जो मार्क्स हो गए हैं, जो अब तक हो गए हैं, ठीक है वो हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब उसको सारी चीज़ों को अब निपटारा करने के बारे में सोचा जा रहा है जो बाइडेन के तरफ से, और अधिकारी स्तर पर सारी चीज़ों को सही भी किया जाएगा। जो जो सैंक्शंस लगे हैं उन सारे सैंक्शंस को हटाने की बात कही गई है यहाँ पे जो बाइडेन के जो आपके सेक्रेटरी हैं एंटोनी उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ द सैंक्शन, यानी प्रतिबंध को हटाना, नवीनतम संकेत के बारे में इन्होंने बोला है कि जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका के द्वारा जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उन सभी को हटाने के बारे में यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है। और वापस से जो पुराना, जब ओबामा के टाइम पे जो आपका अमेरिका था, जिस तरह से रिलेशंस थे बाकी राष्ट्रों के साथ में अमेरिका के, वैसे ही रिलेशंस बनाने की बात कही जा रही है। मैंने आपको होमलैंड सिक्योरिटी, होमगार्ड सिक्योरिटी के बारे में बताया था, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, 11वां जो होमलैंड सिक्योरिटी था जो 2001 से स्टार्ट किया गया था भारत में, उसको 2017 में हटा दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, है ना। और अभी वापस 2021 में जो बाइडेन उसको वापस लेकर के आ रहे हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये इसलिए की जा रही है ताकि वापस अमेरिका सभी देशों की नजर में अच्छा बन जाए और वापस से एक सपोर्टिव वाली फीलिंग आपको अमेरिका का हर राष्ट्र, हर कंट्री की तरफ से आपको देखने को मिले, अमेरिका को कोई दूसरे रिस्पेक्ट में, दूसरे जोन में ना देख पाए। ठीक है, तो जो बाइडेन जो है वो सारे कंट्री को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप थे वो चाहते थे कि पहले मैं आगे रहूंगा उसके बाद सारे कंट्री रहेंगे, यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके पहले हम लोगों ने ट्रिपल जी रिपोर्ट देखा था, याद आ रहा है, ट्रिपल जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वहां पर भी हमने देखा था कि भारत की जो स्थिति है कुछ खास नहीं थी, बहुत भयानक स्थिति थी। गुड आफ्टरनून प्रियंका, चीजें क्लियर हो रही है किस चीज को लेकर के ये न्यूज में बना हुआ है आईसीसी। जो दो लोग थे, सिंपल सा, जो दो लोग थे, देखिए दो लोगों का नाम जो है, ये दोनों का नाम याद करने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा कि दो लोग थे, डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये आपके जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, बस इसको याद नाम रखने का जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पिक्चर में चल रहा है, बस वो समझ में आना चाहिए कि आईसीसी अभी फिलहाल न्यूज में क्यों था। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट न्यूज इसी में, न्यूज में इसलिए था क्योंकि उसके जो दो मेंबर थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, क्योंकि वो यूएस के सैनिकों पर स्टडी कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा कुछ लोगों की जान वहां पे चली गई थी, वार सीन जो क्रिएट हो गया था अफगानिस्तान में। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज है, और आईसीसी आपका उसी को लेकर के आपका यहाँ पे बना हुआ है न्यूज में। और जो बाइडेन ने क्या किया है, ये जो दो लोग है फतो बेंसोडा और फकीसो मोचोकोको, इन पे प्रतिबंध जो लगाया गया था कि ये यात्रा प्रतिबंधित जो लगाया गया था कि आप कहीं पे भी यात्रा नहीं कर सकते, या और इनके संपत्ति को फ्रीज कर लिया गया था, सीज कर लिया था, इसको अब रिलीज कर दिया गया है जो बाइडेन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका फिलहाल न्यूज था, और यही भी प्रतिबंधों को हटाना नवीनतम संकेत है कि बिडेन प्रशासन बहुपक्षीय गुणों पर लौटने का इरादा है, यानी मल्टीलेटरल फोल्ड की यहाँ पे बात कही गई है, यानी सारे चीजों को लेकर के अच्छे रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका हाथ खुद बढ़ा रहा है आगे सारे राष्ट्रों के साथ में ताकि उसका रिलेशन वापस से अच्छा हो जाए, जो कि पहले आपका ओबामा के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, थोड़ा सा आईसीसी को लेकर के देख लेते हैं। आईसीसी आप देख सकते हैं, आईसीसी का ये आपका लोगो है,
ठीक है, आईसीसी का ये आपका लोगो है। जस्टिस को जो जुडिशियल रिस्पेक्ट में होते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग आपने देखा होगा, जो न्यायपालिका होती है उसमें आपको इस तरह का लोगो, आपको ये वाला पिक्चर आपको देखने को मिलेगा न्यायपालिका वाला टाइम में। ठीक है, न्यायपालिका की जब बात आती है तो यहीं पे आपको इस तरह का, क्योंकि ये भी आपका क्या है, ये कोर्ट है, और इंटरनेशनल रिस्पेक्ट में अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसको लेकर के ये कोर्ट आपका सारे निर्णय लेता है। ये आपका लोगो है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोगो को लेकर के। कुछ कंट्रियों के यहाँ पे आपको सिंबल्स, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ग्रीन कलर जो आपको देखने को मिलेगा, ये सारे आपके स्टेट पार्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सिग्नेटरी पार्टी, येल्लो वाली सिग्नेटरी पार्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और येल्लो में ही आपका क्या है, येल्लो में ही आपका यूएस है, और यूएस आपका एक्टिव मेंबर है आपका आईसी का, ठीक है, आईसीसी का। ठीक है, इसके साथ ही भारत आप देखिएगा, भारत इसमें नॉन स्टेट पार्टी है, याद रखिएगा भारत इसमें क्या है, नॉन स्टेट भी है और नॉन सिग्नेटरी भी है, दोनों दोनों में ऐसे कोई नहीं है। भारत ना आपका नॉन स्टेट भी है और नॉन सिग्नेटरी भी है। वर्किंग लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश और फ्रांस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंग्लिश और फ्रेंच ये दो यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज है, इसी दोनों पे यहाँ पे भाषा होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे 6 लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्टेट जो है वो 123 कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, चाइल इबो ओसुजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो आपको देखने को मिलेंगे वो रॉबर्ट फ्रेमर देखने को मिलेंगे। प्रोसिक्यूटर जो यहाँ पे है, देखिए प्रोसिक्यूटर जो है अभियोक्ता जो जिनको कहा जाता है, इन्हीं पे प्रतिबंध लगाया गया था, फाटो मेनसोडा, ठीक है, और रजिस्ट्रार जो है वो पेटल लुविस है। इसकी स्थापना आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, लेकिन वर्किंग में कब आया था, ये फोर्स में कब आया था, 2002 में आया था। तो ये आप देख सकते हैं आईसीसी का थोड़ा सा ओवरव्यू था यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका आज का जो था न्यूज, वो उसको लेकर के आईसीसी आपका हाईलाइट में क्यों बना हुआ है। क्लियर हो गया सारे लोगों को, चीजें समझ में आ गई। तो जितने भी लोग जो करेंट अफेयर की क्लासेस पूरे डिटेल में कवर करना चाहते हैं, जो नए लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, डेली 11 बजे करेंट अफेयर की क्लास होती है डिटेल्ड में, उन सारे क्लासेस को आप जोड़िए मेरे साथ, प्लस ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप में डाउनलोड करके ये सारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा मुझे बीपीएससी कैटेगरी में, मेरी प्रोफाइल आपको वहाँ पर दिख जाएगी। विवेक लाइफ 10 कोर्स आप एडमिशन भी ले सकते हैं और इन सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो 11 AM क्लास, सुबह में एक मेरी 11 बजे क्लास होगी, वहां पे हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर कल का। कल आपका टेस्ट भी होगा तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं आदित्य, कल से फिर रेगुलर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से कल मॉर्निंग 11 बजे, तब तक टेक केयर, अच्छे से रहिएगा। सी यू टुमारो 11 AM करंट अफेयर की क्लासेस। थैंक यू।